याद हो रहा है तेज कुछ शुरू करे और शांति हो जाए तो बोलने में भी अच्छा रहता है। देखिए सब कंफर्टेबल है। देखिए ए भक्ता सिद्दीकी जी को बुलाइए, बुलाइए ना जगह दे दो सिद्दीकी जी। देखिए आज विश्वास मत के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस माले के तमाम लोगों ने खिलाफ में वोट देने का काम किया, इसलिए खिलाफ में मतदान करने का काम किया क्योंकि जो मैंडेट जो मिला था जो 2015 में जो चुनाव हुए थे वो मैंडेट महागठबंधन को था। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग दलित महादलित अल्पसंख्यक और प्रगतिशील वर्ग जो लोग बिहार की तरक्की चाहते थे, भाईचारा चाहते थे, शांति चाहते थे, बिहार का विकास चाहते थे, देश की तरक्की चाहते थे, गरीब गुरुआ का कल्याण चाहते थे, इसलिए बिहार की महान जनता ने 2015 में जो मैंडेट देने का काम किया वो महागठबंधन को देने का काम किया। आज उस मैंडेट का बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमानित करने का काम किया, जिन जिन लोगों ने वोट देने का काम किया बीजेपी के खिलाफ, नीतीश जी बीजेपी के गोद में आरएसएस के गोद में जाकर के बैठे हैं, इसके लिए तमाम बिहार की जनता इससे आहत एक छला हुआ महसूस कर रही है। धोखा उनको दिया गया। आज तमाम लोग बिहार के मतदाता जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी को महागठबंधन का नेता हम लोगों ने चुना था, आज वो लोग अपमानित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जिस प्रकार से ये बीजेपी के गोद में चले गए, आज हमने अपने भाषण में इतने सारे सवाल पूछे जिनका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और ना ही बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। इतनी हड़बड़ में हर एक चीज हो गया, शपथ लिया गया, इस्तीफा दिया गया, ये जितना ढोंग ड्रामा जितना भी हुआ गया और एक पहले एक परसेप्शन बिल्डअप किया गया कि तेजस्वी पे आरोप लगाओ और एक माहौल बनाओ कि वो इस्तीफा का माहौल बनाओ, ये सारा एक पब्लिक परसेप्शन के लिए ये 8-9 महीने से ये सारा ड्रामा था। पहले से ही इन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी के साथ जाना है और तेजस्वी मात्र एक बहाना है। और हमने सवाल जो पूछे मुख्यमंत्री जी से, अगर आपको भाजपा के साथ जाना था तो 4 साल में 4 सरकारें क्यों बनाई, इतना लंबा समय क्यों बर्बाद किया, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया, अधिकारी कंफ्यूजन में रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, इतना बिहार के विकास को जो नुकसान हुआ आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। और मैंने सवाल पूछा क्या ये 4 साल में जो 4 सरकारें जो बनी है वो मात्र एक व्यक्ति विशेष के कारण हुआ है। हमने पूछा क्या इसका दोष बीजेपी को था, आरजेडी का था, या मांझी जी का था, या नीतीश कुमार जी का था कि 4 बार सरकार बनाने का काम किया गया, आज तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, इसका जवाब उनके पास नहीं था। भाषण दे दिया गया और भाषण में हमने सारी बातें रखी हैं, लेकिन आज जो हाउस में हुआ हम लोगों ने गुप्त मतदान, हम लोगों ने मांग की अध्यक्ष महोदय से कि हमें, पहले तो हम लोगों ने गवर्नर साहब से मांग की मिलने का, उन्होंने बोला कि अब तो दोबारा नहीं हो सकता है, लेकिन संविधान के हिसाब से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है या सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक होता है उसको बुलाया जाता है। हम लोग खुद चल करके गए थे, लेकिन हड़बर में किस प्रकार से 5 बजे का 10 बजे हुआ और 10 बजे के बाद किस प्रकार से तय कर दिया गया कि कब शपथ होगा मुख्यमंत्री जी का, किस दिन होगा,
ये सरासर हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ नहीं बल्कि पूरे बिहार के साथ, और बिहार की गरीब गुरबा जनता के साथ ये धोखा उन लोगों ने करने का काम किया। आज भी जदयू को जिस तरह से कैद करके रखा गया, उनके विधायकों को मुख्यमंत्री आवास में, इस पे कोई बयान नहीं, कैद करके रखा गया। और तमाम विधायकों से हमने अपील भी की थी और तमाम पहले लोग संपर्क में भी थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के दबाव के कारण और बीजेपी ने जिस हिसाब से किडनैप कर रखा था बीजेपी विधायक ने, जदयू के विधायकों ने, और मांग किए थे कि गुप्त मतदान इसलिए हो क्योंकि उन लोग के तमाम जो विधायक जो हमारे संपर्क में थे वो लोग कहते थे अगर गुप्त मतदान होगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन गुप्त मतदान नहीं हुआ, जो भी चुनाव हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता को जो अपमानित किया है इन्होंने, हम जनता के बीच जाएंगे, सारी बातें बताएंगे। ये 28 साल का नौजवान आरएसएस और बीजेपी के सामने सर नहीं झुकाया, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ी, एक मंझे हुए खिलाड़ी, एक माहिर खिलाड़ी, अपने घुटने टेक दिए आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह है, शताब्दी की बात करते हैं, पद यात्रा करते हैं हम लोगों के साथ, और दूसरी तरफ जो गांधी के हत्यारे हैं, गौड़ के जितने वंशज हैं उनके साथ ये लोग मिलकर के गोवल करके विचारधारा पर लोग मिलकर करके इन लोगों ने बिहार के लोगों को छलने का काम किया है। इतना ही कह सकते हैं कि बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी, और इनको हाउस में जब ये जवाब नहीं दे पाए जहां ये लोग सब लोग मौजूद थे, तो बिहार की जनता जब सवाल पूछेगी तो कहां ये जवाब देने के लिए खड़े रहे। एक 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 कविता सुनाया गया, कविता सुनाया गया नंद किशोर जी की, भाई हम लोगों में तो पहली वाली बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। कविता हम आप लोगों को और नीतीश कुमार जी को हम खासतौर पर हम याद दिलाना चाहते हैं, ये चुनाव से पहले जो नरेंद्र मोदी जी के लिए नीतीश कुमार जी ने कविता दी थी, इस कविता में नीतीश कुमार जी को याद करना चाहिए। कविता था, फिल्म का कॉपी था, एक जो थ्री इडियट्स है उस फिल्म का कॉपी था। ये बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। आगे क्या कहा, हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश का दौरा लगाते हैं, हमको बढ़ती महंगाई सताती है, हर वक्त अपनी सेल्फी वो खिंचवाते हैं, वो दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। क्या बात होगी भाई, किसका डर था, क्यों ऐसा फैसला लिया, आगे के कौन सा विचारधारा, कौन सा सिद्धांत, कौन सा नैतिकता, आप पे खुद मुकदमा चल रहा है 302 का, सुशील मोदी पे 120 बी का, और कई धाराएं लगाई गई हैं। हमने ये भी पूछा कि आप पूरे देश में शराबबंदी करवाएंगे, मोदी जी से मिलकर नहीं करवाएंगे तो इस्तीफा देंगे, क्या वो FIR का ऐसा कानून लाएंगे कि किसी पे भी FIR हो वो संवैधानिक पद पे नहीं रह सकता, इसका जवाब उनके पास नहीं। चलिए तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, आगे का कार्यक्रम आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।